हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं पटना के गांधी मैदान का नज़ारा आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं। इस पैनल में गांधी जी अपने सहयोगियों के साथ दांडी में नमक उगते दिखाए गए हैं। ये देखिए सुपर सा दृश्य, नमक सत्याग्रह जो 1930 में हुआ था। ये सुंदर सा गांधी जी का दृश्य। इस पैनल में अंग्रेजों के यहाँ आने, ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा भारतीय संसाधनों की लूट, भारतीयों पर उनके द्वारा किए गए दमन और अत्याचार के विरोध में भारतीयों के हिंसक और अहिंसक प्रतिकार दर्शाया गया है। ये देखिए सुंदर सा दृश्य। इस पैनल में गांधी जी चंपारण की जनता को संबोधित करते हुए दिखाए गए हैं। अहिंसात्मक तरीके से बिना खून खराबे के नीलाई साहब और जमींदार खेत मालिकों के खिलाफ संघर्ष करने के साथ उनकी अपनी कमजोरियों, शिक्षा, अंधविश्वास से छूट कर पाने हेतु स्वच्छ और साफ सुथरी जिंदगी जीने की सलाह दे रहे हैं। ये देखिए गांधी जी का सुंदर सा नज़ारा, चंपारण सत्याग्रह 1917 का दृश्य। ये सुंदर सा। इस पैनल में तकली और परम्परागत तरीके से सूत काटते गाँव के लोगों के साथ गांधी जी चरखा चलाते नज़र आ रहे हैं। ये चरखा खाद स्वावलंबन का प्रतीक, स्वतंत्र संग्राम का वर्दी। इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में बहुत सुंदर सुंदर दृश्य दिखाया गया है और बहुत सारी आप लोगों को जानकारी भी इस वीडियो से प्राप्त होगी। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। ये देखिए गांधी मैदान जो बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा मैदान कोई है तो है गांधी मैदान जो पटना में स्थित है। ये देखिए सुंदर सा दृश्य गांधी मैदान का आप लोग देख रहे हैं। ये सुंदर सा नज़ारा गांधी मैदान का, ये देखिए कितना बड़ा है ये गांधी मैदान का दृश्य आप लोग देख रहे हैं। ये सुंदर सा नज़ारा गांधी मैदान का, यह है बिस्कुमान भवन जो गांधी मैदान के जस्ट बगल में स्थित है। ये बिस्कुमान भवन का सुंदर सा दृश्य आप लोग देख रहे हैं। ये गांधी मैदान का झकास नज़ारा। ये देखिए गांधी जी का मूर्ति जो गांधी मैदान के अंदर में ही स्थित है।
इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल का घंटी ज़रूर दबा दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।